देखो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये रिएक्शन, वो क्वेश्चन आ गया, व्हाई इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, अमाउंट ऑफ गैस क्या डबल है, एंड नेम दिस गैस। तो इसमें ना रिएक्शन लिखोगे, पहले बैलेंस करोगे। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के, यही वजह है कि अमाउंट ऑफ गैस क्या होगा, डबल प्रोड्यूस होगा। अगर दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन के एच टू गैस के दो मॉलिक्यूल आएंगे और ऑक्सीजन का क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल आएगा। हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन डबल अमाउंट, तो नेम द गैस था कौन सी, हाइड्रोजन गैस, ये डबल अमाउंट में। अब रीजन क्या, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर में कंटेन्स टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो पार्ट हैं, एज कंपेयर्ड ओनली वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है, केवल एक ही पार्ट। ठीक है, इसका बस इतना ही आंसर लिखा जाएगा। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन पक्का लिख के आओगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, नेम द इलेक्ट्रोड एट विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर ऑब्टेन एंड वाई। अब देखो हाइड्रोजन क्या होता है, एच पॉजिटिव में ब्रेक होता है, तो जो पॉजिटिव में ब्रेक होता है वो कहाँ मिलेगा, नेगेटिव वाले पे मिलेगा, यानी कि कैथोड पे। और ऑक्सीजन जो है O2 नेगेटिव में बनता है, तो ये कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव पे, जो क्या होता है, एनोड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेंड एट कैथोड, हाइड्रोजन कहाँ मिल रही है, कैथोड पे। ठीक है, एज कैथोड इज नेगेटिव एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स एज पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड, ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, एनोड पे, क्यों, एज एनोड इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स O2 नेगेटिव,